हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। मतलब दोस्तों, दो कॉलम के बीच में ज्यादा से ज्यादा हम कितना डिस्टेंस रख सकते हैं, वही दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, दो मैं आपको सीधा ही मैं बता देता हूँ कि हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कितना हम रखते हैं, कितना हम सेफ रखते हैं। तो दोस्तों, दो कॉलम का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम 12 से लेके 15 फीट तक हम रखते हैं जनरली नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के अंदर, राइट। दोस्तों, ज्यादा अगर रखना हो तब उसकी डिजाइन करनी पड़ती है, तो हमें सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से डिजाइन करवाए। बट अगर आपका जो एरिया है कम है, राइट, और जो रूम डिस्टेंस है कॉलम का वो भी दोस्तों अगर 10 से 15 फीट के बीच है तो ये आपके लिए सेफ रहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम 12 से 15 फीट आप रख सकते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। बट अगर 12 से 15 रखेंगे तो कॉलम की साइज क्या होगी, बीम की साइज क्या लेनी है। तो अगर दोस्तों आप 15 फीट तक का दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस लेते हैं तो आपको कॉलम की साइज मिनिमम, मैं क्या बात कर रहा हूं, मिनिमम मतलब अगर 15 फीट का अगर दो कॉलम का बीच का डिस्टेंस है तो मिनिमम कॉलम साइज आपको 9 इंच बाय 9 इंच का लेना पड़ेगा। उससे ज्यादा लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य में अगर आप इसके ऊपर और माले चढ़ाना चाहते हैं, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर अगर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा 9 बाय 12 का। बट अगर आप सिंगल स्टोरी या टू स्टोरी के लिए कर रहे हैं तो 9 इंच बाय 9 इंच का जो कॉलम है मिनिमम चाहिए, अगर 15 फीट की का जो है स्पेसिंग है दो कॉलम के बीच में, ठीक है। अब कॉलम हो गया, अगर 15 फीट का जो डिस्टेंस है तो कॉलम हमारा 9 इंच बाय 9 इंच का होगा, तो बीम हम की साइज क्या लेनी है, तो बीम की साइज हमें लेनी है 9 इंच बाय 12 इंच, ठीक है। ठीक है, तो कॉलम अगर 9 इंच बाय 9 इंच का है तो मिनिमम हमें बीम साइज है 9 इंच बाय 12 इंच की लेनी पड़ेगी। बट दोनों आपको 9 इंच बाय 12 इंच का अगर लेंगे कॉलम और बीम, तो वो एक आइडियल कंडीशन होगी, मतलब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कॉलम बीम हो गया तो स्लैब की थिकनेस क्या लेनी होगी, ठीक है। कॉलम और बीम की हमने साइज बता दी कि 15 फीट का डिस्टेंस हो तो कॉलम की साइज ये और बीम की साइज ये होनी चाहिए। तो कॉलम स्लैब की जो थिकनेस है, ठीक है, वो भी दोस्तों करीबन 4.5 इंच तो मिनिमम हमारी होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर आपको 4 इंच ही रखेगा, बट आपको उसको बोलकर 4.5 इंच मिनिमम करवा देनी है, जिससे आपको भविष्य में ज्यादा तकलीफ ना पड़े, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई कि कॉलम बीम रेंफोर्समेंट स्लैब थिकनेस, अब स्टील जो लगाना है वो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम 12 से 15 फीट है तो मिनिमम स्टील इन कॉलम 4 नंबर्स ऑफ 12 mm डाया स्टील FE 500। दोस्तों, IS कोड के हिसाब से भी 12 कॉलम के अंदर मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील जो है वो 12 mm का है, ठीक है। और मिनिमम 4 नंबर्स ऑफ 12 अगर रेक्टेंगल कॉलम है या फिर स्क्वायर कॉलम है तो 4 नंबर्स ऑफ स्टील तो जरूर लगाने चाहिए। तो कॉलम में आपको चेक करना है कि चार जो है स्टील लगे कॉर्नर पे, चारों साइड पे 4 स्टील लगेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इनका जो डायामीटर है, राइट, कॉलम के अंदर डायामीटर है वो 12 mm का मिनिमम, 10 mm का बार यूज नहीं करना है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी वो गलत है। मिनिमम डायामीटर ऑफ स्टील इन कॉलम जो है 12 mm है, 4 नंबर्स हम लगाएंगे। और कॉलम की जो स्टीरअप्स रहेंगी, राइट, कॉलम के अंदर जो स्टीरअप्स हम यूज करेंगे, इस तरह से जो स्टीरअप्स आएंगी, ठीक है, वो स्टीरअप मतलब ये जो रिंग बनेगी अंदर की साइड जो रिंग आएगी वो करीबन आपको लेनी है 8 mm डाया और 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मतलब जो है ये जो कॉलम के अंदर रिंग लगाते हैं हम लोग, ठीक है, कॉलम के अंदर रिंग जो लगाते हैं वो मिनिमम हमारी 8 mm डाया की यूज करनी है। 6 mm डाया अभी कहीं पे यूज नहीं होता है, गवर्नमेंट ने भी उसको भी बैन कर दिया है, तो इसलिए हमें मिनिमम 8 mm डायामीटर एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग वाला जो है कॉलम के अंदर स्टीरअप्स यूज करना है। बीम रेनफोर्समेंट की बात करें तो बीम की साइज अगर 9 इंच बाय 12 इंच है तो उसके अंदर 2 नंबर्स ऑफ 12 mm डायर स्टील एट दी बॉटम एंड 2 नंबर्स ऑफ 10 mm डायर स्टील एट दी टॉप विद 8 mm स्टीरअप एट दी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। मतलब दोस्तों, हमारा जो बीम है, ठीक है, अगर इस तरह से बीम है, ओके, इस तरह से अगर बीम है तो टॉप में दोस्तों हमें जो स्टील यूज करना है, ठीक है, टॉप में जो हमें स्टील यूज करना है वो 10 mm का यूज करना है,
ठीक है। और बॉटम में जो स्टील हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 12 mm का, ठीक है। ऊपर 2 स्टील 2 नंबर्स और नीचे भी 2 स्टील 2 नंबर, ऊपर 10 mm के नीचे 12 mm का स्टील यूज करना है। अगर बिंग का क्रॉस सेक्शन देखे तो इस तरह से ऊपर के साइड 10 mm और नीचे के साइड 12, ऊपर 10 mm नीचे 12 mm का स्टील हमें यूज करना है, ठीक है। ऊपर क्या है 10 mm, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो कि ऊपर हम क्या करेंगे 10 mm, नीचे 12 mm, ठीक है। इस तरह से हमें स्टील यूज करना है। और ये तो हो गया, और जो स्पेसिंग रखनी है, ठीक है, इसके बीच में स्पेसिंग रखनी है वो 6 इंच तो मिनिमम हमें रखनी है वरीबन। अब तो ये हो गया दोस्तों बीम की बात। अब बात करेंगे फाउंडेशन की, जो हम नीचे फाउंडेशन लेके जाना है, ठीक है। हमारा जो फाउंडेशन रहेगा नीचे उसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए, राइट दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन जो है हमारा उसकी डेप्थ क्या होनी चाहिए। तो अभी जनरली अगर तो 1 स्टोरी 3 स्टोरी तक जाने वाले हो तो आपको मिनिमम दोस्तों यहाँ पे 5 से 6 फीट तो जरूर आपको जाना चाहिए, ठीक है। 5 से 6 फीट की डेप्थ आपको जरूर रखनी चाहिए। अगर आप सिंपल रो हाउस टाइप घर बना रहे तो इतनी डेप्थ तो जरूर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्लैब रेन्फोर्समेंट। स्लैब जो है उसके अंदर मेन स्टील जो हमारा रहेगा 12 mm का, और उसके जो स्पेसिंग रहेगी वो 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन हमें 8 का यूज करना है। मतलब जो स्लैब होता है दोस्तों, ठीक है, अगर इस तरह से आपका स्लैब है, ठीक है, तो इसके अंदर जो बेंट अप बार होते हैं, ठीक है, इस तरह से बेंट अप बार होते हैं, एक इधर बेंड होता है, एक उधर बेंड होता है, ठीक है, और इसके अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन लगते हैं, तो ये बेंटअप बार हमें 12 mm का यूज करना है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 8 mm का यूज करना है, जिसके स्पेसिंग 6 इंच रहेगी दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉलम 15 फीट ले सकते हैं, बट रेन्फोर्समेंट की जो डिटेल है वो आपको इस तरह से रखनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा।